इसलिए एका बैन बागन चौड़न ये बैन ने नंद और जसोदा बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। वो स्वप्न किया था बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थली। कहते ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखो करी करी वो सही होता है, वो एकांत वो स्वप्न सही होता है। उन्होंने देखा दो संतान को आकाश में उड़ते हुए देखा, एक तो कृष्ण को देखा आगे श्याम रंग के और उनको पीछे एक बिजली चमकती हुई एक बड़ी सुंदरी कन्या को देखा। बोले आगे जो श्याम रंग के कौन? बोले कृष्ण। बोले पीछे जो बिजली जैसे चमकती हुई कौन थी? बोले जोग माया। श्री नंद बाबा ने देखा पहले तो इनके हृदय में कृष्ण प्रवेश की, फिर ये जोग माया प्रवेश की, फिर इनके हृदय से फिर ये दोनों श्री जसोदा के हृदय में प्रवेश की। और नंद बाबा ने देखा मैया जसोदा की गोद में एक बड़ा सुंदर श्याम सलोना सा बालक पहुंच रहा है और स्तन पान करते हुए इनकी दोनों धार से दूध बह रहा था और उनकी कुर्ता भीग रहा था। और मैया जसोदा ने क्या देखा? मैया जसोदा ने देखा उनको पीछे एक सुंदर बालक माँ माँ करते करते पीछे पीछे आ रहे हैं और मैया की कपड़ा पकड़ करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को गोद में ले ले। और उसी रात में स्वप्न देखा तो मैया जसोदा गर्भधारण की और ब्रज में हला हो गया। बोले क्या हला हो गया? बोले मैया जसोदा ने लाला जन्म देने वाले हैं। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के कन्हैया लाल की। अभी जितने ब्रजवासी थे जितने गोपियां थी 6-6 महीना पहले 84 गज की लहंगा और चुंदरी बना करके रखे, नंद के लाला होगा तो हम पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे सबके सब सुंदर धोती बगलबंदी पगड़ी बना करके रखी और पूरा ब्रज में जय जयकार हो रहा है। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले। साधारण कोई प्राइम मिनिस्टर आए ना देखना उनके लिए कितने स्वागत है, अभी विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक आ रहे हैं उनके लिए कितने स्वागत नहीं होगा। एकदम जमुना नदी कलकल नाद से जमुना दृश्य प्रवाहित होते हुए बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जमुना से निकलती हुई जय जय जयकार करते हुए आ रही थी। बोले क्यों? बोले कृष्ण हमें अपना पटराई बनाएंगे, अपना शक्ति बनाएंगे। और कहते श्री वृंदावन धाम तो दुल्हन जैसे सज गए। बोले किस लिए? बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयते नवजुन द्वंद्व अस्मिन मंदम। भगवान कंदरा कंदरा कुंज कुंज में लीला करेंगे। वृंदावन धाम सज गई, हर वृक्ष में फल फूल से लद गई और श्री जो पृथ्वी इतने प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों? बोले हर अवतार में मेरे उतर रहे थे। बोले श्री वृंदावन धाम की, अरे जोर से जयकार किया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कभी ये कमल फूल खिलता है दिन में लेकिन ये कमल फूल खिल गया रात में। बोले क्यों? बोले संत जन जब भगवान को उदाहरण देंगे बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कहते सबके सब कमल को साथ नेत्र कमल मुख कमल उनकी है उनकी नाभि कमल चरण कमल सब कमल कमल को साथ उदाहरण देंगे। इसलिए कमल फूल खिल गया प्रसन्न होकर के और आकाश में काला मेघ छा गई। बोले क्यों? बोले भगवान आज मेरे रूप लेकर के ठाकुर जी आ रहे हैं। काला एकदम काला काला और रिमझिम बारिश हो रही थी और नीचे मेघ और उसके ऊपर में चंद्रमा। आज भगवान चंद्रवंश में आ रहे थे इतने में चंद्रमा और मेघ में तो लड़ाई होने लग गई। चंद्रमा ने कहा ए मेघ मेरे सामने से हट जा। बोले क्यों? बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। और मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं ठाकुर जी आज मेरे रंग को लेकर के आ रहे हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देवता ने कहा भैया लड़ाई करने का समय नहीं, अभी तो आनंद लेने का समय है, तुम भी हट जा, उसको भी आनंद लेने दो, तुम भी आनंद लो, सबके सब आनंद लो। अभी सारा दुनिया जय जयकार कर रहे हैं। अरे विशेष करके आकाश में जब काला मेघ छा जाए
चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। कितने व्यक्ति प्रसन्न होते हैं? कौन कौन है बोलो तो, कौन कौन प्रसन्न होता है? कौन बोलेगा हाथ उठा? पहला नंबर प्रसन्न होते हैं कहते मोर। आप देखना जब आकाश में बिजली चमकने लग जाए, आकाश काली लग जाए ना, देखना मोर पंख खोल करके नृत्य करना शुरू कर देते हैं। बोले भैया ये मोर कौन है? बोले श्री भोले बाबा नीलकंठ श्री भोले बाबा है। दूसरा व्यक्ति कौन संप्रसन्न होता है? किसान। बोले किसान वो खेती बोया है लेकिन अगर बारिश नहीं होगा तो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये किसान कौन? पितामह ब्रह्मा जी जिसने ये जगत को उन्होंने सृष्टि की। लेकिन ये दैत्य लोग आकर के बड़े उत्पीड़न कर रहे थे, सारे देवता लोग प्रभु को पुकार रहे थे, लेकिन जब देखा कृष्ण और मेघ छा गया ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले क्यों? बोले सारे दैत्यों को विनाश करेंगे और भक्तों को रक्षा करेंगे। बोले तीसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है? बोले तावानल में दत्त हाथी। जब किसी जंगल में आग लग जाए ना कहते हाथी को बड़ा कष्ट होता है, इधर उधर भागता रहता है, लेकिन जब बारिश हो तभी ये आग बुझती है। बोले ये हाथी कौन है? बोले इंद्र चंद्र देवता। और चौथा व्यक्ति प्रसन्न होता है चातक। ये चातक ये केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है, किसी नदी किसी तालाब का पानी नहीं पीता है। बोले भैया चातक कौन है? बोले ये नारद आदि भक्त वृंद। सारा दुनिया प्रसन्न हो रहे थे, भगवान अभी प्रकट होने वाले, इतने में 33 करोड़ देवता ब्रह्मा शंकर सारे देवता आकर के भगवान की गर्भस्तुति कर रहे थे और भगवान की स्वागत कर रहे थे। देखो ठाकुर जी आने वाले, हम भी थोड़ा स्वागत करेंगे ठाकुर जी को। बोले सो स्वागतम कृष्णा, सो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सो स्वागतम जसोदा जब गर्भधारण की थी, नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो 6 महीना से पहले आके घर में बैठ गई। बोले क्यों? बोले भैया की बेटा होने वाला, अगर बेटा होगा ना मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। वो 6 महीना पहले से आकर घर में बैठ गई और घर का सारे कामकाज को वही कर रही थी। आज ऐसे लग रहा था आज रात को ही घर में संतान की जन्म हो जाएगी, इसलिए इतने में बोले 8 बजे तक तो जगे रहते हैं, उसको बाद में सब के सब सो जाते हैं। बोले एक काम करो, 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, जिनको 8 से 10 तक ड्यूटी लगाए करते जो ड्यूटी लगाए मजीरा ढोलकी लेकर के बड़े सुंदर भजन गा रही थी। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय अभी 10 से जिसको ड्यूटी लगाया जोग माया ने सबको सुला दी। पता नहीं कब श्री वसुदेव महाराज आए और अगला बगला करके उन्होंने बेटी को ले ली।
सवेरे सुनंदा की आंख खोली, बोले भैया भाभी का क्या हालत है, और जा करके देखा मैया जसोदा की गोद में श्याम रंग का बड़ा सुंदर बालक बोल रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बोले भैया पहले भैया को खबर दे तो मेरे को नवला की हार मिलेगी। बोले भैया कहां है, ब्रह्मांड घाट में नंदोबा बैठ करके माला जप कर रहे थे, वो माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा की कब जन्म होगी, घर में लाला की कब जन्म होगी, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा ने जाकर के बोल दिया, बोले भैया कमाल है, इतने में तो नंदोबा छलांग लगा दियो। बोले बहन कहाँ गए हो, बोले बताओ मेरे को मिलेगा क्या। बोले नवला की हार को ले, बोले भैया बाहर इतने बड़ी जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं, और क्या दोगे। बोले ट्रेजरी का सारी चाबी लाठी ले ले, जो कुछ इच्छा सो ले ले, लेकिन बता तो सही घर में कहाँ गए हो। बोले भैया तेरे घर में लाला गयो है। बोले श्री नंद के लाला की। इतने में नंद बाबा ने संपूर्ण ब्रजवासी पूरा ब्रज में नाई को दे करके भेज दिया, सबको बोल दो नंद के लाला गयो है। सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए आए और जितने गोपियां 84 गज के लहंगा चुंदरी पहन करके 16 श्रृंगार पहन करके दूध दही लेकर के श्री मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। इधर सुना, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, और जितने माताएं हैं ना हम सबके सब बोलना बधाई हो, ठीक है। बोले मैया जसोदा बधाई हो। आवाज सही नहीं आ रही, कुछ कुछ गोपियां तो चुपचाप मुंह बंद कर बैठे हुए। अरे आज भगवान जन्म हुए, जोर से आवाज आनी चाहिए, बोले मैया जसोदा बधाई हो। सबके सब नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। नंद बाबा की ध्यान देकर सुनो, अभी गोपियां अभी बधाई हो, अब हारनी नहीं चाहिए, उससे जोर होनी चाहिए। अभी जितने सब नंद बाबा को बोल रहे थे बधाई हो, मैं बोलूंगा नंद बाबा बधाई हो, और जितने हम लोग बोलना क्या बोलना बधाई हो। बोले नंद बाबा बधाई हो। क्या तुम लोग ध्यान से करोगे, अभी जब ठाकुर का अभिषेक करना तो ध्यान से करना, ठीक है, तो तैयार करो ठाकुर का अभिषेक तैयार करो क्या। हरे कृष्ण, सब लोग मेरी तरफ देखिए, उधर सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अब मेरी बात सुनिए, दो मिनट के लिए सुनिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हो भी गया है। पहले तो सब लोग बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी तो महाराज जी ने बधाई हो बोला, बहुत जोर से बोल रहे थे, फिर से बोलो। अरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। अभी देखिए, अभी जो कार्यक्रम है अब बहुत हम लोग भगवान के जन्म के बिल्कुल निकट आ गए हैं। प्रभु जी ने महाराज जी ने आपको कथा भी सुना दी इस तरीके से अब लाला आ गए हैं, तो वहाँ स्टेज पर अभी जो है भगवान का अभिषेक होगा। पुजारी जी पीछे तैयार कर रहे हैं भगवान को, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कोई भी अपनी जगह से बैठ के और भगवान के अभिषेक का दर्शन करें, कोई भी स्टेज के पास आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अपने लड्डू गोपाल को वहाँ उसमें बिठाने की कोशिश ना करें। जो बड़े विग्रह का अभिषेक हो रहा है वही आपके लड्डू गोपाल का भी अभिषेक हो रहा है। अभी कृष्ण कोई अभिन्न भिन्न नहीं है, जब ठाकुर जी की अभिषेक होंगे ना कृष्ण थोड़ी अलग अलग है, इनकी अभिषेक हो गया मतलब तुम्हारे गोपाल भी अभिषेक हो गया। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ नए नए गोपाल लाए हैं, जिनका एकदम नई गोपाल है उनका पहला अभिषेक होनी चाहिए, इसलिए उनको तो बोले बैठा दिया जाएगा, और आपका जितने गोपाल जी बैठ बैठ करके नहा लेगा, चिंता मत करना। तो अभी अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद आरती होगी, और आरती के बाद आप सब लोगों के लिए बाहर प्रसाद की व्यवस्था है, और फिर हर दिन की तरह मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खासतौर से महिलाओं से दीदियों से माताओं से प्रार्थना है, कृपया कृपया लाइन से लीजिए, प्रसाद इतना है कि आप खाते थक जाएंगे, भगवान की कृपा से खत्म नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं सब मिलेंगी आपको।
ठीक है, ये मैं सोचिए कि कुछ खत्म हो जाएगा, लाइन में नहीं लगे, धक्का कर देंगे, जल्दी मिल जाएगा। 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको और सब लोगों को प्रसाद बढ़ जाएगा। दूसरा, कल जो है, कल नंदोत्सव है, ठीक है, उसमें भगवान नंद के घर सब लोग बधाई देने के लिए कार्यक्रम होगा। और ये जो हॉल जैसे सजा हुआ है, आप लोगों से प्रार्थना है, बच्चों को स्पेशली और जो भी बड़े लोग हैं, जितनी भी डेकोरेशन है इसको जरा भी